हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिंग एंड देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ, ब्रेड की सब्जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, आप सब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे यहाँ ये ब्रेकफास्ट में बनती है और आप इसे लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हो। काफ़ी ईजी रेसिपी है, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। हमें 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड लेना है, उसके बाद ब्रेड को इस शेप में काट लेना है। फिर उसके बाद एक कढ़ाई लेके हमें उसमें ऑयल डाल के उसे अच्छे से गरम कर लेना है और ये जितने भी पीसेज हैं उसको उसमें फ्राई कर लेना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसका एक और ऑप्शन है, आपके पास अगर नॉनस्टिक पैन हो तो उसमें आप 2 टेबल स्पून ऑयल या घी डाल के भी इसे रोस्ट कर सकते हैं, जब तक कि वो क्रंच ना हो जाए। लो फ्लेम, मीडियम टू लो फ्लेम पे। दो प्रोसेस है, मैंने डायरेक्ट फ्राई कर लिया इसे और अब इसे निकाल लेना है। अब ये कढ़ाई का जो एक्स्ट्रा ऑयल है हमें इसे निकाल लेना है और 2 टेबल स्पून हमें ऑयल लेके उसमें राई डालनी है, जीरा डालना है। अब इसमें अदरक और लहसुन को कूट के मैंने डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसे ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। और मैंने इसमें बड़ी सी ग्रीन चिली डाली है इसे चॉप करके, और ये सब आपस में मिला लेना है और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। थोड़ी सी हींग डालनी है, फिर हमें हल्दी डालनी है, लाल मिर्च, और इसे अच्छे से स्टर कर लेना है। अब मैंने प्याज लिए, मैंने छोटे से 6 प्याज लिए हैं, 6 to 7। अगर मीडियम साइज ऑनियन हो तो आप 4 डाल सकते हैं। और 1 कप मटर, हमें नमक डाल के इसे अच्छे से मिला लेना है और बीच में थोड़ी सी जगह बनानी है और हमें 1 चॉप्ड टोमेटो डालना है, ये मीडियम साइज टोमेटो है, और इसे ढक्कन लगा देना है तब तक जब तक कि ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। अब जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो गए हमें इसे अच्छे से मैश कर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने धनिया पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, अब जो ब्रेड है मैंने फ्राई की थी इसे ऊपर से डाल देना है और ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे रखना है। तीन मिनट के बाद ढक्कन खोल के हमें इसे गार्निश करना है चॉप कोरिएंडर लीव से और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फिर से रखना है, जब तक कि ये ब्रेड सॉफ्ट ना हो जाए। इन केस ये ब्रेड सॉफ्ट नहीं हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी को छिड़क सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और ये रेडी है, मैंने इसे चपाती के साथ सर्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।